एक बार एक दुनिया थी जो अमीरों और गरीबों में बटी थी। वहां लोगों की सुबह सुकून में नहीं, एक हड़बड़ाहट में शुरू होती थी। उसके बाद हर घड़ी उनमें एक बड़ी अजीब हरारत रहती थी। लोग खुशी के लिए नहीं या जिम्मेदारी के लिए नहीं, बल्कि कंपनियों के लिए काम करते थे, और शाम को थकार कर घर पर वो खुद को टीवी, इंटरनेट और शराब में डुबोते थे। घरों से ताजा खाने की महक और जिंदगी से सेहत गायब होने लगी। फूड डिलीवरी के पैकेटों पर अगली सुबह बर्बादी भिन-भिन आने लगी। सस्ते कर्ज के दम पर नए नए शौक पनपने लगे। एक क्लिक करते ही तमाम पैकेट दरवाजे पे आने लगे। लेकिन उसी दौर में इंसान का आपसी राब्ता बंद हो गया। भीतर का सारा सैलाब सोशल मीडिया पर उमड़ने लगा। ऑनलाइन मंडी थी, वहां ये सब लाइक और डिसलाइक में तुलने लगा। अपनों की ही भीड़ में इंसान चुपचाप पराया बनने लगा। दुनिया की हर चीज उसके स्मार्टफोन में कैद हो गई। जरा सी गलती होते ही पूरी दुनिया वायरल होकर हंसने लगी। लेकिन उस हंसी के पीछे सबका अकेलापन छुपा रहता था। खुद को भूला इंसान तब एक अलग ही दुनिया में रहता था। गाड़ियों और जहाजों को चलाने वाले उसके पैर मिट्टी और घास पर चलना भूल गए। तारों को छूने की ख्वाहिश में वो पूरी धरा को रौंद गए। प्रकृति भी उसके बदनुमा पार्कों में कैद हो गई। पार्कों को उसके घुटन भरे शहर घेरे रहते थे। गांव तो सारे के सारे उजड़ेपन के दुखड़े कहते थे। आकाश तो बुरी तरह मैला हो चुका था। पंछियों की जगह वहां अब स्मॉग रहने लगा था। तरक्की की बाढ़ ने सागरों को भी प्लास्टिक से पट दिया। जहां इंसान नहीं भी था, वहां भी पन्नियों ने सबका दम घोट दिया। उसके लीडर ताकत पीने के लिए चुनाव खेलते थे। सिस्टम के बाकी लोग अभी और की भूख पैदा करते थे। बीच बीच में कुछ लोग बांक जरूर देते थे, लेकिन लाइमलाइट किसे मिले इस पर वो झगड़ते थे। नसीहतें और नाराजगी ट्रोलिंग की भेंट चढ़ गई। दूसरे को नीचा दिखाना नई तमीज से बन गई। चिंता और चिताएं आंकड़ों में उलझ गई। उन पर शोध कर करके बहुतों की पीएचडी हो गई। ये सब देख धरती विलाप करने लगी। लेकिन इंसान की पार्टी जोर जोर से डीजे बजाकर उसकी इस आवाज को दबाने लगी। छुपते जानवरों को उसने जंगलों में भी नहीं छोड़ा। उन्हें झाड़ियों और पेड़ों से घसीट घसीट कर अपनी थाली में परोसा। तभी 2020 में एक वायरस फैला। उसने अहंकारी इंसान को करारा थप्पड़ मारा। ताकत पी चुके लीडरों ने बाकियों से कहा कि घरों में छुप जाओ, अब तुम सब कुछ दिन क्वारंटाइन में बिताओ।
बाहर मौत सरेराह नाचने लगी, लेकिन घर के भीतर जिंदगी एक नई करवट लेने लगी। लंबे वक्त बाद इंसान एक दूसरे को छूता दिखा। अब वो इंटरनेट के बिना थोड़ा थोड़ा हंसने भी लगा। उसका इमोजी फिर से तालियों में बदल गया। कितना कुछ खो दिया, शायद इंसान थोड़ा थोड़ा ही समझने लगा। दो पाए जीव के घर में बंद होते ही टाइगर, हाथी, डियर सब बाहर आ गए। सैकड़ों साल बाद शायद वो भी थोड़ी छुट्टियां बिताने लगे। ये सब देख कुदरत तो मुस्कुरा उठी। बरसों के जख्म वो जल्द से जल्द भरने लगी। नदियां साफ हो गई, हिमालय तो दूर दूर से दिखने लगा। धरती पर एक नया संतुलन सा बनने लगा।